ओपीडी में लगी सैकड़ों मरीजों की भीड़, गोद में लिए नवजात शिशुओं को गर्मी से राहत दिलाते हुए लोग और अंधेरे में मोबाइल टॉर्च की रोशनी से इलाज करते डॉक्टर, जमीन पर लेटे हुए जच्चा बच्चा, ओपीडी कार्ड से पसीना सुखाते हुए लोग, ये तस्वीरें हैं साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 10 स्थित इकलौते सिविल अस्पताल की। उस शहर में अस्पताल की जो विश्व के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना चुका है। दरअसल पिछले 16 घंटे से सेक्टर 10 सिविल अस्पताल में बिजली गुल है, जिसके कारण ओपीडी में मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। एमरजेंसी यानी गायनी वार्ड को छोड़कर बाकी पूरे अस्पताल में अंधेरा छाया हुआ है। रविवार शाम से सेक्टर 10 सिविल अस्पताल में बिजली न होने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। मरीजों को राहत की सांस लेने के लिए वार्ड से बाहर निकलना पड़ रहा है। वहीं सिविल अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट हुए मरीजों की माने तो पिछले कुछ दिनों से बिजली की समस्या चल रही है, लेकिन कल शाम से बिजली नहीं है, जिससे एक रात गुजारना भी मुश्किल हो गया है। बिजली ना होने के कारण अस्पताल की मशीनें भी काम नहीं कर रही हैं। कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो टेस्ट कराने के लिए सिविल अस्पताल में आए हैं, लेकिन लाइट ना होने के कारण टेस्ट मुमकिन नहीं है और उस वजह से इलाज में भी देरी हो रही है। समस्या ये आ रही है कि अभी 2-3 घंटे से लाइन में लगे, अभी पर्ची नहीं कट पा रही है, लाइट की समस्या है यहाँ पे, और डॉक्टर भी नहीं देख रहे हैं। जब तक लाइट आएगी तभी तो डॉक्टर देखेंगे। बच्चे का तो स्विच तो लग गया, और हमारे साथ पड़ोसन है, उनको मतलब डिलीवरी है, उनको दिखाने के लिए लाए थे। कम से कम 3-4 घंटे हो गए लाइन में लगे हुए, अभी तक पर्ची नहीं कटा है। डिलीवरी है उनको, अभी तक पर्ची नहीं कटा है। समस्या ये, हम सुबह 4 बजे से आ रखे हैं रजिस्ट्रेशन कराने अमरनाथ के, सुबह 4 बजे से लाइट नहीं है यहाँ। गर्मी में बहुत बुरा हाल हो रहा है और ना कोई सुनवाई हो रही है, नहीं हुआ अभी तक मेडिकल हुआ नहीं है। आप लगा ले, 4 बजे से लाइन में लगे हुए अभी तक। दूसरी ओर SMO डॉक्टर अलका सिंह की माने तो सिविल अस्पताल के अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक केबल में बार बार फोन आ रहे हैं, जिसके कारण इस तरह की समस्या हुई। अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट होने के कारण बार बार लाइट फ्लक्चुएट कर रही है, लेकिन कल शाम से ही सिविल अस्पताल की बिजली नहीं है। जनरेटर के द्वारा अस्पताल में एमरजेंसी वार्ड और कुछ इलाकों में बिजली की सप्लाई की जा रही है, और बच्चों के इलाज के लिए काउंटर रूम से बाहर दिए गए हैं ताकि सुचारू रूप से इलाज की सुविधा चलती रहे। ओपीडी वार्ड में कंप्यूटर द्वारा कार्ड बनाए जाते हैं, लेकिन बिजली न होने के कारण अब मैनुअल कार्ड बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिसमें थोड़ा समय लग रहा है और उस वजह से ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बिजली की समस्या को जल्द से जल्द ठीक कराने की कोशिश की जा रही है। जनरेटर पे चल रहा है और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो तो चल रही है। लेबर रूम, निको, कैजुअल्टी, वो अपने तरीके से पहले चल रहा है। जैसे डॉक्टर्स 24 आवर्स है यहाँ पे, और DMS भी राउंड ले रहे हैं, तो किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और सारी इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, ओपीडी भी चल रहा है मैनुअल करके, सारे पेशेंट ओपीडी में देखे जा रहे हैं। और जो स्टाफ नर्स की जो टेबल है, अगर अंधेरा है तो हम बाहर कर दिया गया उसे, ताकि पेशेंट्स को और उसके रिलेटिव्स को कोई दिक्कत ना हो। अंडरग्राउंड जो कोई तार है जिसमें फॉल्ट आई हुई है, तो वो काफ़ी देर से लगे हुए हैं, बीच में ठीक हो जा रहा है और फिर बीच में ख़राब भी हो रहा है। तो LNT की मशीन आई हुई है, मंगाई गई है, वो फॉल्ट डिटेक्ट करेगी, उसके बाद ठीक होगा। वजह यही है कि शुरू में किसी को, मरीजों को नहीं पता चला, और ये वो कार्ड बने नहीं, कंप्यूटराइज बने नहीं, तो जब मैंने बोला कि सबको मैनुअल किया जाए, तो मैनुअल करके फिर डॉक्टर्स के पास पेशेंट आ रहे हैं, सब देखा जा रहा है, फिर कोई पेशेंट ऐसा कुछ हुआ नहीं किसी को। तो ये गवर्नमेंट में यही होता है कि डिमांड दी गई है और ऑर्डर्स, मतलब ऊपर से उनके सैंक्शन के ऑर्डर्स लिए गए हैं। टॉर्च के जरिए तो OPD वाले पेशेंट कई बार देखा है, लेकिन बाहर, अब बाहर बैठ के देख रहे हैं जिसमें रोशनी में, तो ऐसा टॉर्च से कुछ नहीं हो रहा। बाकी इमरजेंसी लेबर में आप देखिए, निको में देखिए और कैजुअल्टी में देखिए, वहाँ इमरजेंसी सेवाएं में वहाँ पे लाइट है, और AC सब जगह बंद कर दिया गया है ताकि ज़्यादा लोड ना आए इस पर। कल से ऑफ एंड ऑन है, बीच में ठीक हो जा रही है। बहरहाल एक तरफ अस्पताल प्रबंधन मरीजों को कोई समस्या ना होने का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सिविल अस्पताल में बिजली ना होने के कारण हाहाकार मचा हुआ है। फिलहाल विभाग को बिजली का पोल ठीक कराने के बारे में जानकारी दे दी गई है। अब देखना होगा कि कब तक सिविल अस्पताल में बिजली आती है और मरीजों को सुचारू रूप से इलाज मिल पाता है। सत्य खबर के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।